हाय एवरीवन दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रायो फ्रैक्चरिंग तो क्रायो फ्रैक्चरिंग डिस्कस करने से पहले हम आज की थॉट डिस्कस कर लेते हैं और आज की हमारी थॉट है सेल्फ डाउट इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ योर लाइफ इट इज़ लाइक अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन इन अ पॉट ऑफ मिल्क इट रीन्स ऑल योर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बी कोशस बट बी ने बट ने डाउट योर यू डोंट नो वट यू आर केपेबल ऑफ यू फेस चैलेंजेज़ इन योर लाइफ इट इज़ वेल सेट दैट कि जिस तरीके से एक दूध के बर्तन में एक छोटी सी पॉइजन की यानी कि जहर की एक बूंद उस पूरे दूध को ख़राब कर देती है या उस पूरे मिल्क को पॉइजन बना देती है उसी तरीके से हमारा जो सेल्फ डाउट है वो हमारी सारी केपेबिलिटीज़ को एक तरीके से रुईन कर देता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को रुईन कर देता है सावधान रहिए पर कभी अपने आप पे डाउट मत कीजिए क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे अगर आप चैलेंजेस से डर के पीछे हट जाएंगे अगर आप चैलेंजेस को अपनी लाइफ में नहीं चाहेंगे या आप उनमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है आप कितनी और किन सब चीज़ों कितनी वर्स्ट सिचुएशन को आप ओवरकम कर सकते हैं सो so, जो भी चैलेंज आपके सामने आता है जो भी सिचुएशन आपके सामने आते है वेदर इट इज़ गुड बैड और वर्स्ट जस्ट फेस इट तभी आपको पता चलेगा कि एक इंसान जो होता है ना वो अनस्टोपेबल होता है वो सब कुछ कर सकता है और वो उसे ऐसा जब वो फेस करता है चैलेंजेस को तो उसे इस तरीके का रियलाइजेशन होता है सो आई होप आपको एक्सट्रैक्ट क्लियर हुआ होगा थोट का और चलिए स्टार्ट करते हैं क्रायो फ्रैक्चरिंग फिजिकल वेदरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तरीके की वैदरिंग आती है दैट इज़ फ्रोस्ट वैदरिंग या क्रायो फ्रैक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट फ्रोस्ट वेदरिंग को फ्रोस्ट वेजिंग आइस वेजिंग या क्रायो फ्रैक्चरिंग भी बोला जाता है क्रायो इज़ समथिंग रिलेटेड टू आइस या एक्सट्रीम कोल्ड जो सिचुएशन है उसको हम क्रायो बोलते हैं तो फ्रोस्ट uh, मतलब कि आइस जमा हुआ आइस मतलब बर्फ और क्रायो मतलब एक्सट्रीम जो कोल्ड सिचुएशन है या फिर आप बोल सकते हो आईसी सिचुएशन जो है उसको क्रायो बोला जाता है फ्रैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना किसी चीज़ को तोड़ना बोला जाता है फ्रैक्चर करना जब हार्ट टूट जाता है ना तो बोलते हैं ना फ्रैक्चर आ गया था दैट इज़ किसी चीज़ का टूटना इज़ फ्रैक्चरिंग सो क्रायो फ्रैक्चरिंग इज़ अ कलेक्टिव नेम वो सेवरल प्रोसेस वेयर आइस इज प्रेजेंट यानी कि वेदरिंग की वेदरिंग क्या होता है देखो जो चट्टाने होती हैं ना उनसे मिट्टी कैसे बनती है वेदरड होके रोक जब वेदरड होते हैं रोक जब छोटे छोटे हिस्सों में पहले जो रोक्स हैं ना उनमें क्रैक्स पड़ेंगे पहले वो फ्रैक्चर्ड होंगी टूटेंगी बड़े ब्लॉक्स में फिर वो बड़े जो ब्लॉक्स हैं वो एक तरीके से बहुत छोटे छोटे पीसेज में बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटेंगे टूटने के बाद फिर वो और महीन पार्टिकल्स में टूटेंगे एंड देन वो सॉइल बन जाएगी और उस सॉइल में वही मिनरल्स आएंगे जो उस रॉक्स में थे तो इस तरीके से तो बहुत सारी प्रोसेस जिसमें कि आइस प्रेजेंट होता है आइस इन्वॉल्व होता है वेदरिंग की प्रोसेस में जब आइस का इन्वॉल्वमेंट होगा बर्फ की वजह से जब वो रॉक्स जो है एक तरीके से ब्रेक डाउन होगी तो उसको हम टर्म देते दे दे हैं क्रायोफ्रैक्चरिंग फ्रोस्ड वेजिंग या आइस वेजिंग दिस प्रोसेस इंक्लूड फ्रोज शैटरिंग फ्रोज वेजिंग और फ्रोज फ्रीज थो वैदरिंग तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से आइस से शैटर्ड होती है रोक गिरती हैं टूटती हैं किस तरीके से टूटती हैं वो थोड़ा सा मैं भी एक बार देख लेते हैं अच्छा इसमें एक और टर्म है कि सेवरल फ्रोस शैटरिंग प्रोड्यूस यूज पाइल्स ऑफ रोक फ्रेगमेंट कॉल्ड स्क्री तो स्क्री क्या होता है देखिए जब uh, आइस की वजह से क्योंकि हम यहाँ पे वाटर की बात नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे हम आइस की बात कर रहे हैं फ्रोज स्नो आइस की वजह से या क्रायो फ्रैक्चरिंग जब होगी तो उसमें जो रॉक्स है ना वो बड़े बड़े पाइल्स में टूटती है यानी कि ह्यूज फ्रेगमेंट्स में टूटती है सबसे पहले तो उन फ्रेगमेंट्स को आप स्क्री बोलते हो विच मे बी लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंटेन एरियाज़ और अलॉन्ग द स्लोप जो कि स्लोप पर लोकेट हो सकते हैं या फिर कहाँ हो सकता है जैसे माउंटेंस है वहाँ से टूट के वो माउंटेंस के जो नीचे नीचे एक तरीके से फुट पे एक्ूमुलेट uh, हो सकते हैं तो बेसिकली जो बड़े बड़े पाइल्स होते हैं जो कि टूटे हैं आइस uh, की वजह से दैट इज़ स्क्रीन इस एक यहाँ से एक बार समझते हैं यहाँ से क्लियर हो जाएगा देखिए मान लो कि एक बहुत बड़ा रोक है रोक का पीस है वाटर सीप इं टू क्रैक एंड फ्रैक्चर्ड इन टू रोक पानी इसके अंदर आया और वो जम गया तो बेसिकली जब वो जम गया तो बर्फ बन गया तो उस बर्फ़ की वजह से ना अब वो काफ़ी लंबे समय तक इसमें है रुका हुआ है बर्फ बना हुआ है तो इसके इस जो रोग का पूरा एक टुकड़ा है इसमें क्या आ जाएगा फ्रैक्चर्ड हो जाएगी ये फ्रैक एक क्रैक आ जाएगा इसमें एक दरार आ जाएगी यू कैन से है ना और वो दरार जो है बड़ी होती जाएगी क्योंकि वो सीप डाउन कर रहा है पानी जो है वो सीप डाउन कर रहा है ना आइस में से पानी सीप डाउन कर रहा है जिसकी वजह से क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो उसमें है तो वो एक तरीके से उसको कमज़ोर कर देगा और वहाँ पर क्रैक क्रिएट कर देगा वो वेन द वॉटर फ्रीजेज इज एक्सपेंड अबाउट नाइन नाइन परसेंट इन वॉल्यूम विच वेजेज पार्ट द रोक वही चीज़ बोली गई है कि पानी जो है जो वो जम जाता है ना तो जमने की वजह से वो लगभग एक्सपैंड हो जाता है नाइन परसेंट तक मतलब कि जब पानी जम जाता है तो जमने से वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है अब जो वो अपने आप को एक्सपैंड करेगा सॉलिड फॉर्म में है ना क्योंकि आइस जम गया है तो आइस बना हुआ है सॉलिड फॉर्म में तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सॉफ्ट है या वो बहुत डेलीकेट है तो वो हार्ड uh, है और वो एक तरीके से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है फैला रहा है लगभग नाइन परसेंट तक वाटर के मुकाबले आइस अपने आप को नाइन परसेंट तक एक्सपैंड कर लेता है तो उसने अपने आप को एक्सपेंड किया अपने वॉल्यूम को और जिसकी वजह से इसमें वेजेज वेजिज या क्रैक एक तरीके से क्रिएट हो गया एक फ्रैक्चर क्रिएट हो गया एक दरार क्रिएट हो गई है नाउ मूवी वॉन्ट टू दिस वन विच रिपीटेड फ्रीज थो. साइकिल रोक ब्रेक इन टू पीसेस और ये रिपीटेडली साइकिल जब चलेगी मतलब उसके बाद गर्मी होगी फिर से वो पानी बन जाएगा फिर रात में ठंडा होगा एक्सट्रीम टेम्परेचर उसको मिलेगा फिर से वो बर्फ बन जाएगा फिर से वो एक्सपैंड करेगा फिर से वो क्या करेगा एक तरीके से आ, क्रैक क्रिएट कर देगा क्रैक गहरा होता चला जाएगा जब क्रैक गहरा होता चला जाएगा तो वो उसको पीसिस में रोक एक बड़ी जो चट्टान थी उसको पीसिस में तोड़ देगा उसी तरीके से दो पीसीस हो गए इसके उसी तरीके से इसमें जब क्रैक बनेगा इसमें जब क्रैक बनेगा तो ये छोटे छोटे में एक तरीके से टूट जाएंगे तो जो बड़े पाइल्स में टूटता है उसको स्क्री बोला जाता है यानी कि जो चट्टान जब बड़े एक तरीके से पाइल में फ्रेगमेंट होते हैं दैट इज नोन एज स्क्री आई होप आपको क्रायो फ्रैक्चरिंग क्लियर हुआ होगा दिस इज समथिंग की फ्रैक्चर क्रिएट हुए हैं ड्यू टू क्रायो यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड uh, की वजह से या यू कैन से आइस so की वजह से सो दिस इज नोन एज फ्रोस्ट वेदरिंग फ्रोस्ट की वजह से टूटना uh, या फिर क्रायो फ्रैक्चरिंग आइस की वजह से टूटना या आइस वेदरिंग इसको बोला जाता है